वीरपुर गांव में मंगला नाम की एक औरत अपने पति मुरारी के साथ रहती थी। मंगला और उसका पति मुरारी दोनों एक समोसे का ठेला चलाते थे। मंगला बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट समोसे बनाती थी। गांव के सभी लोग मंगला के ठेले से ही समोसा लेकर खाते थे। मंगला, 5 समोसे देना। मंगला दीदी, 2 समोसे मुझे भी दे देना। कुछ भी कहो मंगला, ऐसे समोसे इस पूरे वीरपुर गाँव में कोई नहीं बनाता। वाह 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 वाह। मंगला और मुरारी दोनों मिलकर अच्छा कमा लेते थे, 590 और ये 10 रुपए।
पूरे 600। सुनो, बस ऐसे ही हम पर लक्ष्मी जी की कृपा होती रहे, हमारी कमाई बहुत ही अच्छी हो रही है। सब तुम्हारे हाथों के बने समोसों का ही तो कमाल है मंगला। सुनो, कल जल्दी उठ जाना, समोसे बनाने का सामान खत्म हो रहा है, जल्दी मंडी हो आएंगे, क्योंकि टाइम पर समोसे बनाकर ठेला भी तो लगाना है। ठीक है, तो मुझे जल्दी उठा देना। अगले दिन मंगला और मुरारी दोनों समोसे का सामान लेने मंडी जाते हैं। भैया, सबसे बढ़िया वाले 20 किलो आलू कर दो। ये 30 रुपए किलो वाला आलू है, ये कर दूं? बढ़िया है ना, और मीठा नहीं होना चाहिए आलू, ना ही खराब। ये मटर तोल दो, प्याज और बाकी हरा धनिया, हरी मिर्च। मंगला और मुरारी इसी तरह सब्जी वाले से बढ़िया सब्जी खरीदते हैं। राशन की दुकान से समोसे बनाने के लिए बढ़िया मैदा और तलने का तेल खरीद लेते हैं। मंगला और मुरारी समोसे बनाने में बहुत ही बढ़िया सामान इस्तेमाल करते थे। शायद यही वजह थी कि उनके समोसे बहुत ही ताजे और स्वादिष्ट लगते थे। मंगला की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसे ही एक दिन, सुनो जी, सामान लेने मंडी नहीं चल रही क्या? अरे भूल गई, आज शहर से मेरा दोस्त रघु अपनी पत्नी के साथ आ रहा है। हाँ, मैं तो भूल ही गई। एक काम करो, सामान मैं खरीद लाती हूँ, कभी पीछे से आ जाए तो तुम तो घर पर होगे, और सामान लाना भी जरूरी है, कल ठेला कैसे लगेगा फिर। मुरारी घर पर ही रुक जाता है और मंगला सामान खरीदने चली जाती है। मंगला जब सामान खरीद कर वापस घर, मेघना श्यामलाल और सुजाता की इकलौती औलाद थी, इसलिए वो लाडली भी थी। उसके पिता श्यामलाल किताबों की दुकान चलाते थे। मेघना भी अपनी पढ़ाई पूरी करके अब अपने पिता के साथ ही दुकान पर बैठती थी। मेघना बेटी, ला तेरे बालों में तेल लगा दूं? कितने दिन हुए तूने सिर की मालिश भी नहीं करवाई। लंबे बाल रखने का शौक है, पर तेल भी तो लगाए कर। माँ, तुम हो ना मेरे बालों की देख रेख करने वाली, तो मुझे क्यों चिंता होने लगी? अच्छा, ससुराल चली जाएगी तो खुद से ही अपने सारे काम करने होंगे तुझे। क्या माँ, मैं तो वहाँ भी तुम्हें ही ले जाऊंगी। अगले दिन मेघना के पिता दुकान की किताबें और स्टेशनरी खरीदने बड़े बाजार चले जाते हैं। मेघना दुकान पर बैठी होती है। जी, मुझे एक फाइल मिलेगी, बड़ी ऑफिस फाइल। जी, ये 60 रुपए और ये 80 रुपए वाली है। ये 80 रुपए वाली दे दीजिए। ये इस तरह से पेपर नहीं लग पाएंगे, रुकिए, मैं आपको पेपर पंचिंग मशीन देती हूँ। थैंक यू वेरी मच, वरना कोई इतनी मदद नहीं करता। वैसे मेरा नाम राजीव है, क्या आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम मेघना है। धीरे धीरे मेघना और राजीव दोस्त बन गए और अक्सर एक दूसरे को वक्त देने लगे। और फिर एक दिन, मेघना, विल यू मैरी मी? हाँ राजीव, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। राजीव और मेघना अपने परिवारों में बात करते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। मेघना अपने ससुराल आती है। राजीव के परिवार में राजीव के अलावा उसके माता पिता और छोटे भाई बहन थे। रिचा, अपनी भाभी को कमरे में ले जा। जी क्या, मैं अभी और इसी वक्त आता हूँ। अच्छा रुकिए, मैं आता हूँ। राजीव, अभी इस वक्त कहाँ निकल रहे हो? बेटा, आज तो तुम्हारी शादी हुई है और बहू को यूँ अकेले छोड़कर जाना जरूरी है क्या? माँ, ऑफिस में कुछ वर्कर्स दंगे पर उतर आए हैं, तो मेरे बॉस ने मुझे अर्जेंट बुलाया है। अब नौकरी में तो ऐसा ही होता है ना माँ, मुझे जाना होगा। मैं मेघना को समझा दूंगा, वो समझदार है। मेघना, मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना होगा, वर्कर्स स्ट्राइक करके ऑफिस में अपनी मांगों को लेकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। जैसी ही बात सुलझेगी मैं आ जाऊंगा, मुझे भी बुरा लग रहा है। तो कर भी क्या सकते हैं, ले जाओ इसे। रश्मि इसको टॉयलेट की तरफ लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही कुरियर बॉय दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वो अंदर से बंद होता है। इतने में अंदर से आवाज आती है, अब कौन है बे, कम से कम यहाँ तो चैन से बैठने दो, सुबह जाने नहीं देते, दिन में भी परेशान करके रखा है, अब तो जब तक कार्यक्रम पूरा नहीं होता मैं बाहर नहीं आऊंगी। अरे दीदी धीरे बोलो, अगर गलती से किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? सुनने दो, अगर कोई सुनता है तो कम से कम औरों को भी तो पता चले कि कैसी जालिम सास है हमारी, जो चार चार बहुओं के लिए सिर्फ एक ही टॉयलेट रखा हुआ है। इसके बाद रश्मि उस आदमी से कहती है, जी माफ कीजिएगा लेकिन आपको थोड़ा वेट करना होगा। कोई बात नहीं जी, मुझे इनके जितनी इमरजेंसी भी नहीं है। ये कहकर वो आदमी क्रॉस लेग करके खड़ा हो जाता है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब निधि बाहर नहीं आती तो वो आदमी जल्दी में वहाँ से निकलने लगता है कि तभी रश्मि पीछे से आवाज देते हुए कहती है, अरे रुकिए तो, कहाँ जा रहे हैं आप? आप वो काम पूरा करके ही जाइए। नहीं करना मुझे कोई टॉयलेट, अगर मैं ऐसे ही वेट करता रहा तो मेरी पैंट यहीं गीली हो जाएगी, इससे तो अच्छा होगा मैं बस स्टैंड पर बने सुलभ शौचालय में चला जाऊं। ये कहकर वो आदमी वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। रश्मि अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। कुछ महीने ऐसे ही बीतते चले गए, लेकिन टॉयलेट की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है।
एक शाम जब शीला घूमने गई होती है तभी चारों बहू में बैठकर रोज की इस परेशानी का हल ढूंढने के विषय में चर्चा करती हैं। हे भगवान, अब क्या दिन आ गए, हमारी जो सास की चुगलियां छोड़कर टॉयलेट के ऊपर चर्चा करने बैठे हैं। सब हमारी सासू माँ का किया धरा है, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब ये सोचो कि कैसे हम अपनी सास को दूसरा टॉयलेट भी ठीक करने के लिए मनाए। ऐसे तो मानने से रही, हमें कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम में से एक का पेट खराब कर दिया जाए जिससे सारा दिन उसका टॉयलेट में ही बीते, फिर जब मम्मी जी को टॉयलेट यूज करने नहीं मिलेगा तभी उन्हें दूसरे टॉयलेट की अहमियत समझ में आएगी। वो तो ठीक है, पर किसका पेट खराब करे, तू अपना कर ले, मैं तेरे लिए जमाल गोटा लाई देती हूँ। वाह जी वाह, ये क्या बात हुई, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। सुबह के 6 बजे होते हैं कि तभी नीतू अपने पति को उठाने की कोशिश करती है। अरे क्या होगा, आज संडे है, आज तो देर तक सोने दो। अरे चलो उठ भी जाओ ना, अभी सभी घर वाले सो रहे हैं, उनके उठने से पहले हम जल्दी से कराते हैं। अरे क्या कराते हैं, तो मैं जो करना है अकेले कराओ, लेकिन मुझे अभी सोने दो। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी से चलो नहीं तो सारा दिन लाइन में ही खड़े रह जाओगे। अरे जबरदस्ती है क्या, जब आ ही नहीं रही तो जाकर करूँगा क्या, अब तुम निकलो यहाँ से और मुझे सोने दो। ओहो, अगर इनके चक्कर में रही तो मैं भी पेट पकड़ कर ही बैठी रह जाऊंगी। इसके बाद नीतू पेट पकड़ते हुए जल्दी से अपने कमरे से भागकर बाथरूम की ओर जाती है तो देखती है कि उसकी दोनों जेठानियाँ और छोटी देवरानी पहले से ही बाथरूम के बाहर खड़ी होती है। अरे यार लेट हो गई, लगता है और जल्दी उठना चाहिए था। नीतू को देखकर उसकी देवरानी कहती है, आओ दीदी जल्दी से आकर लाइन में लग जाओ। पर अगर तुम सब बाहर हो तो फिर टॉयलेट में है कौन, और कौन होगा मम्मी जी के सिवा। नीतू जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे मम्मी जी आप कहीं सो तो नहीं गई, जल्दी से बाहर आ जाओ, यहाँ लाइन लगी पड़ी है। निधि ये कह रही होती है कि तभी शीला उनके साथ टॉयलेट से बाहर आती है। उसके बाहर आते ही मंशी बहू नीतू पेट पकड़ कर पीछे से भागते हुए आती है और लाइन तोड़कर टॉयलेट में घुस जाती है और झट से दरवाजा बंद कर देती है। ये सब देखकर बाकी सब हैरान रह जाती है। तभी सबसे बड़ी बहू राखी जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे नीतू की बच्ची जल्दी से बाहर निकल, मेरा नंबर था, तू कहां से बीच में घुस गई, निकल निकल ना। अरे क्यों दरवाजा पीट रही है, उसको तोड़कर ही मानेगी क्या, और अब वो अंदर गई है तो पेट की गंदगी निकाल कर ही बाहर निकलेगी, और जब मैं अंदर थी तब भी तुम में से कोई दरवाजा पीट रहा था। तुम सब जानती हो ना बुजुर्ग लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है। अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो सुबह जल्दी उठकर फ्रेश हो जाया कीजिए, आपकी कब्ज के चक्कर में तो हम लोगों के पेट के बुलबुले उठने लग पड़ते हैं। ये सब बातें छोड़ो मम्मी जी, अब ये बताओ कि कब तक हम ऐसे ही एक टॉयलेट में जाते रहेंगे। उम्र भर ऐसे ही जाना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि शुक्र मनाओ तुम लोगों को एक टॉयलेट तो नसीब हुआ, हम तो अपने। जानकी दास का बेटा महेश शहर में नौकरी करता था, वो अपनी बहू सुमन के साथ गांव में रहते थे। महेश की शादी को 1 साल हुआ था, शादी के तुरंत बाद ही महेश को काम मिल गया तो उसे शहर जाना पड़ा। महेश अक्सर अपनी पत्नी से फोन पर बात कर लेता था। हेलो, हाँ हाँ आ रही है मुझे आवाज, और तुम ठीक ठाक पहुँच गए, मैंने तुम्हें मटरी बनाकर दी थी, वो रोजाना चाय के साथ खा लिया करना, और जैसे ही घर का प्रबंध होता है तो मुझे बता देना, मैं गाड़ी पकड़ कर आ जाऊंगी। सुमन अभी यहाँ कमरे का किराया बहुत ज्यादा है, थोड़ा पैसा जोड़ लूँ। अच्छा पिताजी तुम्हारे आसपास ही हैं, जरा बात तो करवाना, वो मेरी चिंता में होंगे कि मैं पहुँचा हूँ या नहीं। अभी बाजार गए हैं। अच्छा अब दोबारा छुट्टी कब होगी, मुझे पहले ही बता देना ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने की बढ़िया चीजों का इंतजाम कर सकूं। इस बार तो सिर्फ तुम 2 दिन के लिए आए थे, अब की बार 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आना। सुमन फोन रख देती है। बहू मैं तो घर पर ही था, तुमने महेश को झूठ क्यों बोला, और तुम ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो। अपने काम से काम रखो, बाजार जा रही हूँ सब्जी लेने, शाम की रोटी का इंतजाम करना है या नहीं, फिर रात को बोलोगे कि कुछ खाने को नहीं बनाया, आ जाऊंगी थोड़ी देर में। रोजाना इसका यही काम है, जब देखो घर से बाहर रहती है, पता नहीं कहाँ जाती है। सच्चाई तो ये थी कि सुमन के रोशन नाम के एक लड़के के साथ नाजायज संबंध थे, और वो उसी लड़के से मिलने के बहाने रोजाना घर से चली जाती थी। अरे कितनी देर लगा दी तुमने आने में, हैं? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था जाने मन। क्या करूं मैं भी, वो बुढ़ा ससुर मुझे घर से निकलने नहीं देता, ऊपर से महेश भी बार बार फोन करता रहता है, उसने भी मेरी जिंदगी खराब की हुई है।
पता नहीं कहाँ से इन गरीब भिखारियों के घर शादी हो गई है। जब देखो हर चीज को तरसती रहती हूँ। पता नहीं इन लोगों से कब पीछा छूटेगा। मुझे लगता था इन लोगों के पास कुछ होगा, इसीलिए मैंने मामी को इनसे शादी के लिए हाँ कह दी थी। पर ये लोग तो बिल्कुल भिखारी हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। अरे तो कोई सुबह के 6 बजे होते हैं कि तभी नीतू अपने पति को उठाने की कोशिश करती है। अरे क्या होगा, आज संडे है, आज तो देर तक सोने दो। अरे चलो उठ भी जाओ ना, अभी सभी घर वाले सो रहे हैं, उनके उठने से पहले हम जल्दी से कराते हैं। अरे क्या कराते हैं, तुम्हें जो करना है अकेले कराओ, लेकिन मुझे अभी सोने दो। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी से चलो नहीं तो सारा दिन लाइन में ही खड़े रह जाओगे। अरे जबरदस्ती है क्या, जब आ ही नहीं रही तो जाकर करूंगा क्या। अब तुम निकलो यहाँ से और मुझे सोने दो। ओहो अगर इनके चक्कर में रही तो मैं भी पेट पकड़ कर ही बैठी रह जाऊंगी। इसके बाद नीतू पेट पकड़ते हुए जल्दी से अपने कमरे से भागकर बाथरूम की ओर जाती है तो देखती है कि उसकी दोनों जेठानियां और छोटी देवरानी पहले से ही बाथरूम के बाहर खड़ी होती है। अरे यार लेट हो गए, लगता है और जल्दी उठना चाहिए था। नीतू को देखकर उसकी देवरानी कहती है, आओ दीदी जल्दी से आकर लाइन में लग जाओ। पर अगर तुम सब बाहर हो तो फिर टॉयलेट में है कौन, और कौन होगा मम्मी जी के सिवा। नीतू जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे मम्मी जी आप कहीं सो तो नहीं गई, जल्दी से बाहर आ जाओ, यहाँ लाइन लगी पड़ी है। निधि ये कह रही होती है कि तभी शीला उनकी सास टॉयलेट से बाहर आती है। उसके बाहर आते ही मंशी बहू नीतू पेट पकड़ कर पीछे से भागते हुए आती है और लाइन तोड़कर टॉयलेट में घुस जाती है और झट से दरवाजा बंद कर देती है। ये सब देखकर बाकी सब हैरान रह जाती है। तभी सबसे बड़ी बहू राखी जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे ओ नीतू की बच्ची जल्दी से बाहर निकल, मेरा नंबर था तू कहाँ से बीच में घुस गई, निकल निकल ना। अरे क्यों दरवाजा पीट रही है, उसको तोड़कर ही मानेगी क्या, और अब वो अंदर गई है तो पेट की गंदगी निकाल कर ही बाहर निकलेगी। और जब मैं अंदर थी तब भी तुम में से कोई दरवाजा पीट रहा था, तुम सब जानती हो ना बुजुर्ग लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है। अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो सुबह जल्दी उठकर फ्रेश हो जाया कीजिए, आपकी कब्ज के चक्कर में तो हम लोगों के पेट के बुलबुले उठने लग पड़ते हैं। ये सब बातें छोड़ो मम्मी जी, अब ये बताओ कि कब तक हम ऐसे ही एक टॉयलेट में जाते रहेंगे। उम्र भर ऐसे ही जाना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि शुक्र मनाओ तुम लोगों को एक टॉयलेट तो नसीब हुआ, हम तो अपने। जानकी दास का बेटा महेश शहर में नौकरी करता था, वो अपनी बहू सुमन के साथ गांव में रहते थे। महेश की शादी को 1 साल हुआ था, शादी के तुरंत बाद ही महेश को काम मिल गया तो उसे शहर जाना पड़ा। महेश अक्सर अपनी पत्नी से फोन पर बात कर लेता था। हेलो, हाँ हाँ आ रही है मुझे आवाज, और तुम ठीक ठाक पहुँच गए, मैंने तुम्हें मटरी बना कर दी थी, वो रोजाना चाय के साथ खा लिया करना, और जैसे ही घर का प्रबंध होता है तो मुझे बता देना, मैं गाड़ी पकड़ कर आ जाऊंगी। सुमन अभी यहाँ कमरे का किराया बहुत ज्यादा है, थोड़ा पैसा जोड़ लूँ। अच्छा पिताजी तुम्हारे आसपास ही हैं, जरा बात तो करवाना, वो मेरी चिंता में होंगे कि मैं पहुँचा हूँ या नहीं। अभी बाजार गए हैं। अच्छा अब दोबारा छुट्टी कब होगी मुझे पहले ही बता देना, ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने की बढ़िया चीजों का इंतजाम कर सकूं। इस बार तो सिर्फ तुम 2 दिन के लिए आए थे, अब की बार 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आना। सुमन फोन रख देती है। बहू मैं तो घर पर ही था, तुमने महेश को झूठ क्यों बोला, और तुम ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो। अपने काम से काम रखो, बाजार जा रही हूँ सब्जी लेने, शाम की रोटी का इंतजाम करना है या नहीं, फिर रात को बोलोगे कि कुछ खाने को नहीं बनाया, आ जाऊंगी थोड़ी देर में। रोजाना इसका यही काम है, जब देखो घर से बाहर रहती है, पता नहीं कहाँ जाती है। सच्चाई तो ये थी कि सुमन के रोशन नाम के एक लड़के के साथ नाजायज संबंध थे और वो उसी लड़के से मिलने के बहाने रोजाना घर से चली जाती थी। अरे कितनी देर लगा दी तुमने आने में, है? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था जाने मन। क्या करूं मैं भी, वो बुढ़ा ससुर मुझे घर से निकलने नहीं देता, ऊपर से महेश भी बार बार फोन करता रहता है, उसने भी मेरी जिंदगी खराब की हुई है। पता नहीं कहाँ से इन गरीब भिखारियों के घर शादी हो गई है, जब देखो हर चीज को तरसती रहती हूँ। पता नहीं इन लोगों से कब पीछा छूटेगा। मुझे लगता था इन लोगों के पास कुछ होगा, इसीलिए मैंने मामी को इनसे शादी के लिए हाँ कह दी थी। पर ये लोग तो बिल्कुल भिखारी हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। अरे तो कोई